स्वागत है आपका गैजेट C60 हिंदी पे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त आदित्य नाझा और ये है ओप्पो का लेटेस्ट फोल्डिंग डिवाइस ओप्पो फाइंड N। और आज हम करने वाले हैं इसकी एक जबरदस्त सी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। काफ़ी बड़े से बॉक्स में आता है ये डिवाइस जो है। और सबसे पहली चीज़, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, फ़ोन जो है बॉक्स के अंदर पूरी तरीके से खुला हुआ रखा हुआ है, यानी फोल्डेड फॉर्मेट में नहीं है। अंदर आपको ये फ़ोन पहले से ही ओपन मिल रहा है और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी सही सा डिज़ाइन लग रहा है। अंदर आपको मिल रहा है इसके लिए 33 वॉट का सुपर वूक फास्ट चार्जर। और क्योंकि ये फ़ोन भारतीय नहीं है तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो चाइनीज़ यूनिट है इस पर जो चार्जिंग यूनिट है वो भी थोड़ा अलग ही प्रकार का है। और अंदर मिल रहा है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन और ये सब, मतलब काफ़ी सब कुछ ही चाइनीज़ में है भाई। यहाँ पे सिम ट्रे इजेक्टर टूल है, एक अलग सी ये कार्ड भी दे रखा है, मोस्ट प्रोबेबली इनकी किसी क्लब मेंबरशिप के लिए होगा ये। और अंदर आपको मिल रहा है एक USB टाइप ए टू USB टाइप सी केबल जो है वो मिल रहा है चार्जिंग के लिए। और सरप्राइजिंगली इतने बड़े बॉक्स में इससे ज़्यादा और कोई सामान नहीं दे रखा इन्होंने। अब आइए ज़रा बात करते हैं थोड़ा इसके बिल्ड और डिज़ाइन के बारे में। तो ये जो फ़ोन है हल्का नहीं है बिल्कुल भी, 275 ग्राम इसका वज़न है और काफ़ी हद तक भारी है। और राइट हैंड साइड पे यहाँ पे पावर बटन के अंदर इन्होंने फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है। नीचे आप ध्यान से देखेंगे USB टाइप सी पोर्ट है। यहाँ पे डिस्प्ले को खोलने पे आप देखेंगे क्रीजिंग बहुत कम यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है वो फ्लेक्सियन हिंज डिज़ाइन है जो बिल्कुल भी गैप नहीं छोड़ता जब इस फ़ोन को आपने बंद किया हो। और जो क्रीज है उतनी प्रोमिनेंट नहीं है जब आप इसको खोल के देख रहे होंगे तो भी, तो वो मुझे काफ़ी हद तक सही लगा यहाँ पे। और ये जो फ़ोन है इसमें गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स दे रखा है फ्रंट पे और बैक पे, लेकिन जो अंदर की स्क्रीन है वो प्लास्टिक ही है। और बार बार खोलने बंद करने पे भी ये चीज़ हमने नोटिस करी कि इसका जो हिंज मैकेनिज्म है वो काफ़ी हद तक बढ़िया लग रहा था। बैक पे यहाँ पे कैमरा मॉड्यूल्स जो है वो तीन आप देख सकते हैं दे रखे हैं, काफ़ी हद तक सही है। बट टोटल इसके अंदर 5 कैमराज आपको मिलते हैं, इनर और आउटर दोनों में ही आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है और वो चीज़ काफ़ी हद तक सही है। बैक पे 50 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 13 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा दे रखा है। अब भाई जो कैमरा UI है वो भी काफ़ी हद तक एडजस्ट हो जाता है डिवाइस को फोल्ड करने के हिसाब से, तो वहाँ पे डेफिनेटली ओप्पो ने मेहनत करी है जो दिखाई देता है। और ये काफ़ी हद तक एक रिफाइंड स्मार्टफोन लग रहा है एक फोल्डिंग फ़ोन के हिसाब से। अब भाई अगर बात करें इसके और अन्य वर्जन्स के बारे में, तो ये वाइट, पर्पल और ब्लैक रंगों में उपलब्ध होगा। वाइट और पर्पल ग्लॉसी वर्जन्स हैं, जो ब्लैक वर्जन है उसमें थोड़ा बहुत सैंड ब्लास्टेड सा फिनिश है बैक पे। और अगर UI वगैरह की बात करें तो ओप्पो ने यहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेशल सॉफ्टवेयर जेस्चर्स वगैरह दे रखे कलर OS 12 में, फाइंड N में, ताकि आप 4 फिंगर पिंच कर सकते हैं यहाँ पे और आपको 2 फिंगर स्वाइप मिल रहा है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे एक्शंस मिल रहे हैं जिसकी मदद से आप, मतलब ओवरऑल जो अपना फोल्डिंग फ़ोन का एक्सपीरियंस है उसको बढ़िया कर सकते हैं। और इसमें अंदर जो डिस्प्ले है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक 7.1 इंच की फुल HD प्लस LTPO OLED डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है। और पीक ब्राइटनेस यहाँ पे क्लेम करी है ओप्पो ने कि 1000 निट्स तक जाती है, जो डेफिनेटली काफ़ी हद तक बढ़िया होगी। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या आप इसके लिए एक फुल रिव्यू देखना चाहते हैं कि नहीं, तो हम थोड़ी और यहाँ पे मेहनत करेंगे। डिवाइस काफ़ी हद तक इनिशियली सही लग रहा है। अब भाई यहाँ मेरे को एक बढ़िया बात ये लगी कि यहाँ पे एक बाहर भी 5.49 इंच की OLED डिस्प्ले दे रखी है जिसमें 18:9 एस्पेक्ट रेशो है, तो आप इसको 100 बड़े प्यार से चला सकते हैं। वहीं अगर आप जैसे इसको कंपेयर करने बैठे सैमसंग के गैलेक्सी Z Fold 3 से या किसी अन्य वैसे टाइप के स्मार्टफोन से जो कि वही फोल्डिंग स्मार्टफोन है, तो यहाँ पे जो इसका फोल्डेड वाला एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी बढ़िया है और अनफोल्ड करने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी हद तक बढ़िया है। पर पर्सनली मेरी माने तो जो आप अनफोल्ड करके जो व्यू एक ले सकते हैं ना भाई, जितनी भी आपकी गेम्स में एप्स में, वो अलग ही लेवल का व्यू है। जैसे कि आप इस गेम में देख सकते हैं यहाँ पे जब हम इसको अनफोल्ड करके खेल रहे हैं तो जो व्यू मिल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा व्यू मिल रहा है एज कम्पेयर टू जब हम इसको लाइक बाहर वाली आउटर डिस्प्ले पे खेल रहे हैं, तो उतना इमर्सिव नहीं लग रहा है ये जो गेम है वो। और वहीं अगर आप इसको अनफोल्ड करके पूरी स्क्रीन पे खेल रहे गेम, तो भाई अलग ही मजा आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा बड़ा बड़ा सा खुला खुला सा लग रहा है वो देखने में, तो भाई बड़ी डिस्प्ले का अपना अलग ही आनंद होता है। और हर चीज़ के अपने फायदे और नुकसान हैं। जो ओप्पो फाइंड है ना, ये आता है एकदम ही फ्लैगशिप स्पेसिफिकेशंस के साथ। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888 आपको मिलता है, 12 GB तक रैम का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे उपलब्ध है, 512 GB तक स्टोरेज उपलब्ध है और ऑलमोस्ट सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड 3 जैसा ही है, पर इसके अंदर आपको कोई IP रेटिंग नहीं मिलती है। ओप्पो फाइंड N जो है ये अभी सिर्फ चाइना में उपलब्ध है, पर ऐसा उम्मीद है हमें कि शायद से भारतीय लॉन्च इसका होगा अगले साल। ये फ़ोन काफ़ी हद तक एक बढ़िया फोल्डेबल फ़ोन है और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही सही तरीके से की गई हैं, पर फिर भी एक फोल्डिंग फ़ोन एक फोल्डिंग फ़ोन ही होता है और समय के साथ दिक्कत आने की संभावनाएं ऐसे किसी डिवाइस पे ज़्यादा होती है जहाँ पे कोई भी मूविंग कंपोनेंट्स होते हैं। पर ओप्पो के इस ट्राई की दाद देनी पड़ेगी, काफ़ी हद तक इन्होंने सही काम किया है।
इनिशियल जो हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस था इसमें, उसमें तो काफी हद तक ये स्टर्डी लग रहा था, पर समय ही बताता है ऐसे डिवाइसेस के मामले में कि वो लंबी दूरी में कैसे चलते हैं। अभी के लिए ये इम्प्लीमेंटेशन बहुत हद तक बढ़िया है, सॉफ्टवेयर लेवल पे बड़े सारे फीचर्स बहुत हद तक सही हैं, पर क्या एक बहुत ही बेहतरीन डिवाइस है कि नहीं, ये तो भैया सिर्फ समय ही इसका जवाब दे सकता है। तो दोस्तों, आपको ये डिवाइस कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।